नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। चुनावों का दौर है और इन चुनावों के दौर में सबसे ज्यादा इस समय जिसका बुरा वक्त चल रहा है वो है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी। आपको बता दें, इस वक्त बड़े ही बुरे दौर से आम आदमी पार्टी गुजर रही है। इस तरीके से संजय सिंह जेल में बंद है, मनीष सिसोदिया जेल में बंद है, सत्येंद्र जैन जेल में बंद है, हालांकि अपनी तबीयत का हवाला देकर वो बेल पर है। लेकिन तमाम इतने बड़े नेता जेल में बंद होने के बाद अब अगला नंबर जहां मुख्यमंत्री केजरीवाल का लगाया जा रहा है, वहीं अब ऐसे भी सवाल उठने लगे हैं जहां एक तरफ आपको बता दें पहले कि जहां एक तरफ ईडी सीबीआई यहां पर आम आदमी पार्टी को चारों ओर से घेर रही है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, शराब नीति को लेकर, वहीं अब दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर भी आम आदमी पार्टी को घेरा जा रहा है। अब चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियां हो, चाहे वो बीजेपी सरकार के हमले हो, चाहे वो जनता का भी यहां पर रुख जो केजरीवाल की तरफ अब कठोर होता दिखना हो। आपको बता दें, दिल्ली में पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है। जिस तरीके से यहाँ पर दिल्ली की हवा जहरीली से भी बदतर हो चुकी है, वो दिखाती है कि दिल्ली अब दिवाली तक यहाँ पर, दिवाली के बाद भी यहाँ पर कई दिन तक दिल्ली में सांस लेना भी दुभर हो जाएगा। और इन सब का टीकरा केजरीवाल पर फोड़ा जा रहा है, आम आदमी पार्टी पर फोड़ा जा रहा है। इस वक्त बड़े ही बुरे दौर से आम आदमी पार्टी गुजर रही है। आपको बता दें कि इन्हीं सब सवालों को लेकर जब आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता गोपाल राय से मीडिया कर्मी सवाल करते हैं तब वो क्या कहते हैं, जी हाँ आपको बता दें, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि जब से बीजेपी ने दिल्ली की सारी शक्तियां उनसे, आम आदमी पार्टी से छीन ली है और खुद कंट्रोल करने लगी है, तब से दिल्ली के हालात जो वो और भी बद से बदतर होने लगे हैं। ऐसी बात वो कहते हुए नजर आते हैं और वो पूरे अपने इस बयान में, इस जवाब में क्या क्या कह रहे हैं सुनाते हैं। सर, आपने जो बताया मंत्री उतरेंगे और जो अधिकारियों देखिए, परिस्थितियां विपरीत हैं, आप सबको पता है। खास तौर से जब से केंद्र सरकार ने एक दिल्ली के ऊपर कानून बना करके दिल्ली सरकार की शक्तियों को छीना है, तब से परिस्थितियां विपरीत हैं। और उसका सबसे जीता जागता उदाहरण है स्मॉक टावर रियल टाइम सोर्स अपोर्समेंट स्टडी। हमने देखा कि कैबिनेट के फैसले के बावजूद एक अधिकारी ने निर्णय लेकर के और दोनों चीजों को ठप कर दिया, सरकार का कोई मतलब ही नहीं बचा। जिन जिन तर्कों के आधार पर स्मॉक टावर और रियल टाइम सोर्स अपोर्समेंट स्टडी को ठप किया गया था, वो सारे तर्क, सारे अध्ययन, सारा एक्सपीरियंस एक तरफ हो गया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही वो खोल दिया गया। तो मतलब कि वो तो इंटेंशनली बंद किया गया था, उसका कोई लॉजिक नहीं था। तो ये विपरीत परिस्थिति है, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में हमारी कोशिश क्या है, जितना ज्यादा से ज्यादा जो है हम पहल कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, योजनाओं को लागू करा सकते हैं, उसके लिए सरकार पूरी ताकत के साथ जो है वो काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी का यही निर्देश है कि सभी मिनिस्टर्स अपने तरफ से सारा एफर्ट करें, जो जो अधिकारी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर के हम ग्राउंड पे उतरें। देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर गोपाल राय लगातार बीजेपी को यहाँ पर जो है एक तरीके से निशाने पर लेते नजर आए, लेकिन ये वक्त किसी पार्टी को निशाने पर लेने का नहीं है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ये बीजेपी की तरफ से भी मैं कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ आरोप ही मत लगाइए, आप दोनों को मिलकर यहाँ पर दिल्ली की जनता की साफ सांस के लिए, उनकी जीवन के लिए काम करना होगा। ऐसा नहीं कि आप उन पर आरोप लगा रहे हैं और वो आप पर, ऐसे तो ये मामला चलता रहेगा और दिल्ली की जनता के साथ बुरा होता रहेगा। और यही सेम बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही, और वो हर बार, हर साल जब ये दौर आता है, जब ये समय आता है, जब ऐसे महीने आते हैं ठंड के, तब वो बोलती है, क्योंकि सॉल्यूशंस तो बताए जाते हैं लेकिन उन पर काम किया जा रहा है या नहीं, या वो उतने इफेक्टिव है या नहीं, उस पर मेनली यहाँ पर बात होनी चाहिए। बहरहाल आपको बता दें, इस वक्त आम आदमी पार्टी पहले ही ज्यादा मुश्किलों में घिरी हुई है। आपको बता दें, जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उन पर चल रहा है और जिस तरीके से उनकी पार्टी पर ईडी ने शिकंजा कस लिया है, इस वक्त केजरीवाल के लिए सबसे ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण हो गया अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाए रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी इस समय जो है खत्म होने के कागार पर दिख रही है। और अब अरविंद केजरीवाल को भी जेल में डालने की तैयारी जो है वो कहीं ना कहीं की जा रही है, ऐसा आतिशी सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा यानी कि उन्हीं की पार्टी के नेताओं का कहना है। और ऐसे में जब आम आदमी पार्टी चुनावों में भी अपना जो दमखम झोंक रही है, उससे इस बार लग रहा है कि चुनावों में आम आदमी पार्टी इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है और ना ही नतीजे उनके पक्ष में आने वाले हैं। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जुड़े रहें, देखते रहें नेक्स्ट टाइम न्यूज।